मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियां उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। वेलकम बैक टू शोबिज डायरीज। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के फेमस एक्टर फैसल कुरैशी की वालदा का पहली दफ़ा एक लाइव शो में आई और लाइव शो में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जिसे सुनकर लोगों ने फैसल कुरैशी को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फैसल कुरैशी और उनकी वालदा शोबिज इंडस्ट्री के स्टार हैं। हाल ही में फैसल कुरैशी की वालदा का एक इंटरव्यू बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए ये दुआ तो ज़रूर करवाई कि उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा कामयाब अदाकार बने जैसे अमिताभ बच्चन हैं। लेकिन उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने अपने बेटे के लिए ये दुआ नहीं कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बेटा भी बन सके। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस का ये कहना है कि एक माँ सोशल मीडिया पर बैठ कर अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कर रही है, तो इस बात का यही मतलब हुआ कि फैसल कुरैशी का अपनी वालदा के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं है। फैसल कुरैशी जो अपनी सेकेंड वाइफ के साथ रहते हैं और अपनी वालदा के साथ बहुत ही कम पिक्चर शेयर करते नज़र आते हैं। फैंस का मजीद ये भी कहना था कि शायद फैसल कुरैशी ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है, इसलिए फैसल कुरैशी की माँ इस तरह की बातें कर रही हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।